जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए जो हमने हिंदी का सीरीज शुरू किया है उसका छठा पार्ट है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि इनमें से कौन सा शब्द तत्पर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चार ऑप्शन आपके पास है, सन्नद्ध, प्रबुद्ध, तैयार या कटिबद्ध। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी प्रबुद्ध। देखिए दोस्तों जो राइट आंसर है हमारा प्रबुद्ध है, वो क्या है तो तत्पर का पर्यायवाची शब्द है। अगर हम बात करें तत्पर के अन्य पर्यायवाची शब्दों की तो उद्यत होता है, कटिबद्ध होता है, मुस्तैद होता है और तैयार होता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची है, धनंजय, कानन, अभ्र या ध्यांत। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी ध्यांत्र। देखिए अंधकार, उसके पर्यायवाची अन्य पर्यायवाची क्या है तो एक है अस्पृश्यता, अंधेरा, अंधेरा, अंतःकोप, अंधियारा, तिमिर, तमस, तमिश्र और तम, जो कि सारे के सारे अंधकार के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द उत्थान का विपरीतार्थक है। पहला है पतन, उदय, झुकाव या नाश। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी पतन। देखिए जो शब्द है उत्थान उसका विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द क्या है तो याद रखिएगा उसका पतन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि देश, वेश, क्लेश और भेष चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो आप सभी को पता है स्त्रीलिंग शब्द जिसमें स्त्री का बोध हो वो स्त्रीलिंग शब्द हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी जीरो। देखिए जो दोस्तों जो देश है, वेश है, क्लेश है और भेष है, ये सारे सभी क्या हैं तो ये पुल्लिंग शब्द हैं, स्त्रीलिंग एक भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि हे भाई मुझे बचाओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है, संप्रदान कारक, संबोधन कारक, अधिकरण कारक या अपादान कारक। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी यानी संबोधन कारक। देखिए बात करते हैं संबोधन कारक की, तो जिस संज्ञा पद से किसी को पुकारने, सावधान करने अथवा संबोधित करने का बोध हो संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन प्रायः कर्ता का ही होता है इसलिए संस्कृत में स्वतंत्र कारक नहीं माना गया है और संबोधित संज्ञाओं में बहुवचन का नियम लागू नहीं होता और सर्वनामों का कोई संबोधन नहीं होता, सिर्फ संज्ञा पदों का ही होता है। तो याद रखिएगा, देखिए इसमें हे भाई यानी ये बुला रहा है कि मुझे बचाओ, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन बी संबोधन कारक। अगला क्वेश्चन है कि सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। चार ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं, उनमें से आपको छांटना होता है कि सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी विकास, जो लिखा हुआ है ये सही शब्द है। अगला क्वेश्चन है कि मात्राज्ञा का सही संधि विच्छेद कौन सा है। देखिए ए है मात्राधन आज्ञा, मात्रधन आज्ञा, मात्राधन ज्ञा या मातृधन आज्ञा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मातृ प्लस आज्ञा, मात्राज्ञा का सही संधि विच्छेद है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नशीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है, शीला, ईला, ला या नशा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी ईला। जो नशीला शब्द होता है उसमें कौन सा प्रत्यय है तो याद रखिएगा ईला शब्द है। ईला जो कि प्रत्यय वाले शब्दों की बात करें दोस्तों, देखिए रसीला, जहरीला, पथरीला, कंकरीला, हठीला, रंगीला, गठीला, शर्मीला, सुरीला, नुकीला, बर्फीला, भड़कीला, नशीला, लचीला, सजीला, फुर्तीला, सभी क्या हैं तो ईला प्रत्यय वाले शब्द हैं। बात करते हैं प्रत्यय की, तो वे शब्दांश जो यौगिक शब्द बनाने समय बाद में लगते हैं प्रत्यय कहलाते हैं, पढ़ाई, सुंदरता आदि। तो नशीला में क्या लगा हुआ है बाद में, तो ईला लगा हुआ है, तो ये कौन सा प्रत्यय हो जाएगा तो ईला प्रत्यय हो जाएगा और ईला प्रत्यय वाले ये सारे के सारे सभी शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक, भय, निर्वेद या रति। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी शोक। करुण जिसका स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है, और जहां आपको बता दें किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहां करुण रस उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शांति का विलोम शब्द क्या है, प्रशांति, युद्ध, भलाई या अबोध। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी युद्ध। देखिए शांति है, विलोम शब्द पूछ रहा है तो शांति के विलोम शब्द क्या हो जाएगा तो युद्ध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आजीवन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, वन, आजी, आ या जीवन। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी आ। जो आजीवन शब्द है दोस्तों उसका उपसर्ग क्या हो जाता है तो हो जाता है आ,
अगला क्वेश्चन है, व्याघ्र शब्द का तद्भव रूप क्या है? चार ऑप्शन है, बाट, बुरा, बाघ या बाघ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बाघ। तो बात करते हैं तद्भव की। तो देखिए तद्भव शब्द मैंने आपको बताया था तत् एवं भव के योग से बना हुआ है, जहां तत् का अर्थ होता है संस्कृत तथा भव का अर्थ होता है विकसित। तो अतः तद्भव शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है संस्कृत, जहां विकसित हुआ है, और हिंदी के सभी क्रिया शब्द तद्भव शब्द होते हैं, जैसे आग, अनाज, आम, आलस, कोयल, कपूर, गाहक, गोबर, तुरंत, तांबा, छाता, गर्दन, चांद इत्यादि, ये सभी क्या हैं? तो ये सभी तद्भव रूप हैं। अगला क्वेश्चन है कि मैं परीक्षा लिख चुका, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? पूर्ण भूत, सामान्य भूत, सामान्य वर्तमान या आसन्न भूत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पूर्ण भूत। बात करते हैं भूतकाल की। तो क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। सरल शब्दों में जिससे क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध उसे भूतकाल की क्रिया कहते हैं। जैसे वह खा चुका था, राम ने अपना पाठ याद किया, मैंने पुस्तक पढ़ ली थी। अगला क्वेश्चन है कि आंखें फेरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? उपेक्षा करना, क्रोधित होना, प्यार करना या होश में न होना। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी उपेक्षा करना। आंखों का फेरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो उपेक्षा करना यानी निगलेक्ट करना, ये हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आरोह का विलोम क्या है? अवरोह, रोह, प्रवाह या अवसान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी आरोह का विलोम शब्द होता है अवरोह। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? चलिए चार ऑप्शन आपके पास दिए जाते हैं, ये इसमें बताना होता है कि कौन वर्तनी से शुद्ध है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी रोहिणी जो है दोस्तों वो सबसे शुद्ध शब्द है। अगला क्वेश्चन है, परिवार का पर्यायवाची है गृह, कुटुंब, भवन या आगार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कुटुंब। देखिए जो कुटुंब होता है, परिवार होता है, उसका पर्यायवाची क्या होता है? तो कुटुंब हो जाता है, कुनबा हो जाता है, खानदान हो जाता है और घराना हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि यह किताब मेरी है, इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक, परिणामवाचक, सार्वनामिक या संख्यावाचक। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी यानी सार्वनामिक विशेषण। बात करते हैं सार्वनामिक विशेषण की। तो परिभाषा, किसी वाक्य में संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले सर्वनाम शब्दों को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। और सार्वनामिक विशेषण वास्तव में सर्वनाम शब्द ही होते हैं, और सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जो शब्दों द्वारा व्यक्त न किया जा सके के लिए एक शब्द क्या है? अव्यक्त, अकथनीय, अल्पज्ञ या अकथ्य। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए यानी अव्यक्त। जो शब्दों द्वारा व्यक्त किया ना जा सके उसे क्या कहते हैं एक शब्द में? तो उसे कहते हैं अव्यक्त। अगला क्वेश्चन है कि उद्धव का लेना न माधव का देना, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? किसी से कोई वास्ता न रखना, धोखा देना, अन्याय न करना या दोहरा कटुत्व। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी किसी से कोई वास्ता न रखना। बात करते हैं लोकोक्ति की। तो देखिए दोस्तों लोकोक्ति शब्द लोक, धन, उक्ति शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति या कथन। संस्कृत में लोकोक्ति अलंकार का एक भेद ही है तथा सामान्य अर्थ में लोकोक्ति को कहावत कहा जाता है। उदाहरण है, अंत भले का भला, अढ़ाई दिन की बासाहत। अगला क्वेश्चन है कि आकर्षण का विलोम क्या है? विशेषण, संकर्षण, विकर्षण या संरक्षण। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी विकर्षण। जो आकर्षण होता है दोस्तों उसका विलोम शब्द क्या है? तो विकर्षण उसका विलोम शब्द है। अगला क्वेश्चन है कि जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? छयनुप्राक्रांत, वृत्तानुप्रास, लाटानुप्रास, छेकानुप्रास। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी छेकानुप्रास। बात करते हैं छेकानुप्रास। तो देखिए जहाँ अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपतः व क्रमशः आवृत्ति हो वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। जैसे सांसें भरी, आंसू भरी, कहत, दई दई। अगला क्वेश्चन देखिए, पथ का पर्यायवाची नहीं है, इनमें से आपको बताना है मग, मार्ग, पंथ या अडिग, कौन सा है जो कि पथ का पर्यायवाची नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी अडिग। अडिग को छोड़कर बात करें तो सारे क्या हैं? पथ के पर्यायवाची हैं। अन्य पर्यायवाचियों में देखिए मग हो जाता है मार्ग, राह, पंथ, रास्ता, बाट, डगर आदि जो क्या हैं, तो सभी पथ के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह व्यक्ति जो लोहे को पीट कर अपना गुजारा चलाता है, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा?
लोहा, लोहक, गुजारा या लोहार। तो देखिए जो सोना पीटता है उसे क्या कहते हैं हम, सोनार कहते हैं। तो उसी प्रकार से हो जाता है जो लोहा पीटता है उसे हम क्या कहते हैं, तो लोहार कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अनिर्णित के लिए एक वाक्य क्या है, जिसका निर्णय हो सकता है, जिसका निर्णय न हो चुका हो, निर्णय के रूप में होने वाला, या जो बताने योग्य न हो। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जिसका निर्णय न हो चुका हो। अनिर्णित के लिए एक वाक्य क्या होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, जिसका निर्णय न हो चुका हो। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगी दोस्तों तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।